समाजवादी पार्टी के संरक्षक और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव आज अपनी अंतिम यात्रा पे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बड़ी से बड़ी हस्तियां, यहाँ तक कि बच्चन परिवार के लोग और बड़े बड़े नेता जिनमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गाँव सैफई पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार भी उनके पैतृक गाँव में होना है। उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा गया है। आपको बता दें, जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है मुलायम सिंह की एक झलक पाने के लिए। बता दें, अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर महोत्सव मंच से निकाल लिया गया है और अब थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। बता दें कि शरद पवार से लेकर बड़े बड़े नेता अंतिम संस्कार और उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत भी सैफई पहुंचे। आपको बता दें, मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर सैफई में उस स्थान पर पहुंच गया है जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वक्त लोगों का समंदर उमड़ा पड़ा है, कई लोगों की तबीयत खराब होने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन लोग फिर भी अंतिम दर्शन के लिए एक बार नेताजी को देख लेना चाहते हैं। लोग नेताजी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। लोग पेड़ों पर चढ़े हैं और नेताजी अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर एक वाहन के जरिए सैफई लाया गया है और इस वाहन में अखिलेश यादव, बाबा रामदेव मौजूद रहे और साथ ही साथ कई अन्य वीआईपी भी मौजूद थे। आपको बता दें, अंतिम दर्शन के लिए बाबा रामदेव भी सैफई पहुंचे थे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।